हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या करना होता है जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। क्योंकि अगर हमारा चैनल जब मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद हमें ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाया जाए YouTube से, उसके लिए कुछ जानकारियां आपको जानना बेहद जरूरी है। और आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो को जो ऑन करना है मोनेटाइजेशन वाला फीचर, एक एक ना करके एक साथ कैसे कर सकते हैं और क्या क्या फीचर इनेबल कर सकते हैं जिससे कि आपके चैनल पर ज्यादा से ज्यादा पैसे आप कमा पाए। और आपको इस वीडियो को पूरी देखनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं देखनी चाहिए क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने चैनल पर वो सारे काम कर पाएंगे जो कि 2021 में आपको अपने YouTube चैनल पर करना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या काम करते हैं, आइए जानते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहां पर दोस्तों मैंने ओपन कर रखा है अपना कंप्यूटर स्क्रीन और यहां पर हमारा चैनल आप देख सकते हैं, लिखकर आ गया है कॉन्ग्रेचुलेशन और आपका चैनल हो गया है मोनेटाइज। और अब आप अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मोनेटाइजेशन तो ऑन हो गया, इसके बाद क्या करना है, प्लीज आप मुझे बताएं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर तुम्हारे चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग है तो भी तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। यहां पर तुम देख सकते हो एकदम साफ साफ दिखा रहा है वार्निंग वाला पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला प्रोसेस क्या करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पर जो मैसेज लिखकर आ गया, इसके बाद यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है लिखकर मोनेटाइज वीडियोज एंड डिसमिस, तो हम क्लिक करेंगे मोनेटाइज वीडियोज पर। उसके बाद हमारे सामने इस तरीके से एक टैब ओपन होगा और जो टैब अब हो रहा है ओपन, इसी टैब में हम मोनेटाइज करेंगे ऑन। तो मोनेटाइज यहां पर दिखा रहा है कि डिसाइड लेटर, मतलब कि बाद में करना है कुछ वीडियो, डिसाइड करके हम बाद में मोनेटाइज करेंगे या फिर मोनेटाइज ऑल वीडियो नाउ। तो अभी हम क्लिक करेंगे मोनेटाइज ऑल वीडियो नाउ और इसके बाद यहां पर आपको दिख रहा होगा ओवरले एड्स, स्पॉन्सर एड, स्किपेबल एड, नॉन स्किपेबल एड और टर्न ऑन एड ड्यूरिंग वीडियो, मतलब कि आपकी वीडियो चल रही हो उसके बीच में एड दिखे। तो जी हां, दिखनी जरूरी है क्योंकि हमें तो चाहिए भैया पैसा और पैसा कमाने के लिए वीडियो पर एड लगाना जरूरी है। ये करने के बाद यहां पर अप्लाई रेफरेंसेस पर, अप्लाई प्रेफरेंसेस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ये क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर लिखकर आ रहा है कि आप बस कुछ ही सेकंड रुकिए, हम आपके वीडियो को मोनेटाइज कर दे रहे हैं जितनी भी वीडियो है। अब ये जब तक मोनेटाइज हो रहा है, जब तक सारी वीडियो मोनेटाइज कर रहा है, तब तक हम एक काम कर लेते हैं, आपको एक और नॉलेज दे देता हूं। यहां पर दोस्तों कुछ वीडियोज पर येलो डॉलर आ जाता है और कुछ वीडियो पर आता है रेड डॉलर, तो और कुछ वीडियो पर होता है ग्रीन डॉलर। तो मैं आपको बता दूं, जो ये रेड डॉलर होता है इसका मतलब ये होता है कि आपकी वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी और उस वीडियो से आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपके चैनल पर किसी भी वीडियो में ये रेड वाला साइन आता है तो ये मान लेना। यहां पर रिमूव्ड भी लिखकर आ जाती है, आपकी वीडियो YouTube डिलीट कर देता है या फिर आप खुद ब खुद डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो YouTube अगर डिलीट करता है तो आप डिलीट मत करना अपने वीडियो से, क्योंकि YouTube ने कर दिया है और आपके चैनल पर स्ट्राइक है या फिर वार्निंग है, कुछ भी है, तो वहां पर अपील करने का ऑप्शन आता है, तो अपील कर सकते हैं। अगर नहीं आता ऑप्शन तो आप उसको पड़े रहने देना, वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा डॉलर जो आता है येलो डॉलर। अब येलो डॉलर इनके किसी भी वीडियो पर मैं देख पा रहा हूं यहां पर कि अगर येलो डॉलर होगा किसी वीडियो पर, मैं यहां पर एक यहां पर देख सकते हैं आप 233 वीडियो इनकी हो गई है सक्सेसफुली अपडेटेड, यानी कि सभी वीडियो मोनेटाइज ऑन यहां पर ऑप्शन आ रहा है कि हो गया है। तो इसे अब मैं करूंगा रिफ्रेश और रिफ्रेश करने के बाद यहां पर देख लेते हैं कि मोनेटाइज हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हमने प्रोसेस को फॉलो किया है, पूरा प्रोसेस फॉलो किया है। उसके बाद यहां पर आप देखो सभी के सभी वीडियो पर मोनेटाइजेशन ऑन हो गए हैं और इस वीडियो पर मोनेटाइज ऑन नहीं हुआ है क्योंकि यह है रेड डॉलर और रेड डॉलर जो मोनेटाइज ऑन नहीं होता है, मतलब मैंने आपको बताया उससे पैसे नहीं मिलेंगे आपको। और अब मैं यहां पर येलो डॉलर देखना चाहूंगा। येलो डॉलर देखने के लिए
कैसे करना है मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। आपको अपनी वीडियो को, सभी वीडियो को अगर एक बार दोबारा मोनेटाइज करना है या डीमोनेटाइज करना है, एड्स बंद करनी किसी वीडियो पर, तो यहां पर ये देख लो, मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। सबसे पहले यहां फिल्टर पर क्लिक करो, उसके बाद मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। अब यहां पर तीन चीजें हैं, मोनेटाइज्ड, नॉट मोनेटाइज्ड, लिमिटेड। तो अगर मैं यहां पर लिमिटेड पर क्लिक करूंगा तो अप्लाई पर क्लिक करता हूं, यहां पर मुझे पता चल जाएगा येलो डॉलर किस वीडियो में है। अब इनके दो वीडियो पर येलो डॉलर है, आपको मैंने बताया। ग्रीन डॉलर का मतलब सिग्नल एकदम ग्रीन है, आपकी सभी वीडियो पर पूरा ऐड आएगा, अच्छा खासा रेवेन्यू होगा और आपकी अर्निंग होगी अच्छी खासी, ठीक है। दूसरा, आपके वीडियो पर अगर येलो डॉलर आता है तो इसका मतलब ये लिखकर आ गया लिमिटेड। अब लिमिटेड का मतलब ये होता है कि आपके वीडियो पर लिमिटेड ऐड आएंगे, कुछ ही ऐड आएंगे जो आपके वीडियो से रिलेट कर रहा हो। लेकिन यहां पर आपको मैं बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आपकी ये वीडियो अच्छी है और कोई दिक्कत नहीं, इस पर ऐड सभी तरीके के चल सकते हैं, तो यहां पर ऐड सुटेबिलिटी का एक ऑप्शन आता है, इस पर आप रिक्वेस्ट रिव्यू पर क्लिक करके और यहां पर आई हैव डबल चेक पर क्लिक करके और रिक्वेस्ट रिव्यू पर भेज सकते हो। और जैसे रिक्वेस्ट रिव्यू पर भेजोगे, ये आपकी ऐड रिक्वेस्ट रिव्यू में चली जाएगी, ठीक है। तो यहां पर एक काम आपको मैंने बताया, अगर येलो डॉलर आता है तो क्या करना है, ठीक है, आपको पता भी चल जाएगा किस वीडियो पर येलो डॉलर है यहां से क्लिक करके, ठीक है। अब आगे की बात आपको बताता हूं। आपको अब मान लो आपके यहां पर कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मैसेज नहीं आ रहा है तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो यहां पर फाइंड करने के लिए फिल्टर पर क्लिक कर देना, कंटेंट में आकर फिल्टर पर, और इसके बाद मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, इसके बाद नॉट मोनेटाइज्ड अप्लाई कर देना क्लिक करके। इस पर क्लिक करोगे, जितनी भी वीडियो आपकी मोनेटाइज नहीं होगी वो सभी वीडियो दिख जाएगी और उसको फिर आप सबको यहां पर करना क्लिक और हो जाएंगे सारे सिलेक्ट। उसके बाद यहां पर आना, आप एडिट में आना, एडिट में आने के बाद यहां पर एक ऑप्शन आता है मोनेटाइजेशन का और यहां पर कर देना ऑन, ठीक है। ये जैसे ही करोगे मोनेटाइजेशन ऑन, सभी वीडियो पर मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा एक बार में। ये भी दूसरा तरीका आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं मोनेटाइजेशन वाले फीचर पर आने के बाद, यहां पर एक ऑप्शन आपको आएगा सुपर चैट का, जो कि इनके यहां नहीं आ रहा है, जबकि चैनल जब मोनेटाइज हुआ था तो आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा है ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि इनका चैनल है, इन्होंने मुझे बताया सर आप देख लो, तो मैं देख रहा हूं। बट आपके चैनल पर अगर यहां पर आ रहा होगा सुपर चैट, तो उस पर क्लिक करना और सुपर चैट ऑन कर लेना। इससे आपको बेनिफिट ये होगा, ज्यादा अर्निंग होगी कि लाइव आओगे कभी, आपको लोग सुपर चैट देकर पैसे देंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, ये काम कर लेना। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर चार है या पांच, जो भी पॉइंट है, बट आपके पॉइंट आपसे रिलेटेड ये पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर अब हम काम करते हैं दोस्तों, एडसेंस ओपन करते हैं। एडसेंस यहां पर हम करेंगे ओपन, और एडसेंस ओपन करने के लिए यहां पर हम क्लिक करेंगे, इसके बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको मैं दिखा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। ये सारी जानकारी आपको कोई यूट्यूबर या यूट्यूब पर नहीं बताएगा, तो क्यों नहीं बताएगा ये मुझे नहीं पता, बट यहां पर हम ऑन करेंगे। तो यहां पर अभी मैं आपको बताऊं, एडसेंस हमने कर लिया है ऑन, और एडसेंस ऑन उसी जीमेल आईडी से करना है जिस जीमेल आईडी पर आपका एडसेंस बना हो। तो हमने इनके एडसेंस को ऑन कर लिया है, और अब यहां पर ऑप्शन आ रहा है क्या कि चैनल आपका हो गया है मोनेटाइज, और अब आपको टैक्स के लिए भरना पड़ेगा एक फॉर्म, जो कि ये टैक्स वाला फॉर्म यहां पर आपको भरने का एक ऑप्शन आ रहा है, और आपको भरना ही चाहिए अगर आपका चैनल मोनेटाइज है। अगर आप चाहते हैं कि टैक्स फिल कैसे करते हैं तो उस पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा टैक्स भरने वाला फॉर्म, ठीक है। यहां पर आप को अब कंप्लीट करने होंगे $10 जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तब आप अपने एडसेंस का पिन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। पिन वेरिफिकेशन क्या होता है कि आप कहां पर रहते हैं, ये एडसेंस या गूगल टीम को पता चल जाएगा, जिसके थ्रू आपके चैनल पर पेमेंट आने लगेगी। जब $10 हो जाएगा, आपके घर पे एक पिन आता है, और पिन आने के बाद फिर आपका चैनल, ये समझ जाना, वेरिफिकेशन हो गया है आपके एडसेंस का भी। और जब आपके चैनल पर $100 कंप्लीट हो जाए, यहां पर लिखा हुआ है पेमेंट देयर सोल्ड $100, तब पे आउट आपका बनेगा, तब आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, ठीक है। ये बातें हो गई जो कि आपको टेक्निकल वाली बातें सारी थी मैंने बताया। और अगर आपने एडसेंस बनाया है और अकाउंट नंबर नहीं ऐड किया है, तो यहां पर अकाउंट पर क्लिक करके अकाउंट इंफॉर्मेशन यहां पर अपलोड कर देना। पर्सनल सेटिंग पर आएंगे, सारी डिटेल यहीं पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अकाउंट इंफॉर्मेशन पर आओगे और यहां पर बहुत सारी चीजें लिखकर आएंगी, उसके बाद आपको सारी चीजें डालना होगा। पेमेंट वाले ऑप्शन पर आओगे, यहां पर
आपको अपना बैंक अकाउंट भी ऐड करना होगा, जो कि आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पर आना है, वो $10 के बाद सारा प्रोसीज कर लेना, ठीक है। कैसे होता है अगर आपको जानना है तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब बात करते हैं जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए लास्ट, क्या कि आपको अपनी वीडियो नहीं देखनी है। आपको फिर बोल रहा हूं, आपको अपनी वीडियो अपने जीमेल आईडी से बिल्कुल भी नहीं देखनी है। और यह बता दूं कि आप किसी दूसरे के चैनल पर, किसी दूसरे के मोबाइल पर आप अपनी वीडियो देख सकते हो, लेकिन एक बार देखना, दिन भर में, ऐसा ना लगे कि आप क्लिकबेट कर रहे हो या क्लिक इनवैलिड क्लिक कर रहे हो, ऐसा यूट्यूब को नहीं लगना चाहिए। यूट्यूब, आप ही सोचो कि आप एक वीडियो को कितनी बार देख सकते हैं। आपकी वीडियो इतनी कॉमेडी तो है नहीं, अगर कॉमेडी भी है तो आपकी वीडियो इतनी इंटरेस्टेड होनी चाहिए कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 बार लोग देख सकते हो, ठीक है। बट आपकी वीडियो अचानक से कोई देखने लग जाए, एक बार नहीं 10 बार, तो लगेगा यूट्यूब को कि इस वीडियो में कुछ गड़बड़ है, या शायद बंदा खुद कर रहा है दूसरे जीमेल आईडी से। अगर यूट्यूब ने फाइंड कर लिया तो आपका एडसेंस बंद हो जाएगा और आप फिर यूट्यूब से पैसे नहीं कमा पाओगे, ये ध्यान रखना। तो अपने जीमेल आईडी से आपको अपनी वीडियो बिल्कुल नहीं देखनी है, और अगर आप किसी दूसरे के जीमेल आईडी से अपने फोन में चलाते हैं तो दिन भर में एक बार, एक से दो बार बस, इससे ज्यादा नहीं करना है, ये काम कर लेना, ठीक है। ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।